नमस्कार। आज का हमारा विषय है बहुत ही अनोखा, बहुत रुचिकर, इंटरेस्टिंग, और वो है कुछ मंगल रेखाओं का अध्ययन। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा निम्न मंगल क्षेत्र से। यदि निम्न मंगल क्षेत्र से एक लाइन निकलकर सीधी गुरु पर्वत पहुंच जाए, ये आपका गुरु पर्वत है। एक लाइन, यहाँ पर और लाइन भी हो सकती हैं। जितनी ज़्यादा लाइनें होंगी उतना उस रेखा का प्रभाव कम हो जाएगा, इसलिए एक ही लाइन ठीक। मान लो यहाँ पर एक रेखा है, निकली कहाँ से है? मंगल से। और निम्न मंगल किस बात का प्रतीक है? हमारी शारीरिक एनर्जी, स्टेमिना, ऊर्जा, हमारा साहस, हमारा डायनेमिक एनर्जी, शारीरिक बल। और अगर इस निम्न मंगल से एक रेखा निकली और मस्तिष्क रेखा को काटते हुए वो पहुंच गई गुरु क्षेत्र पर, ध्यान रहे कि यह रेखा दोष रहित होनी चाहिए, कटी फटी दीप वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, कुतिल धब्बा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ। अगर ये लाइन बिल्कुल साफ है और गुरु क्षेत्र पर गई है तो गुरु किस बात का प्रतीक है? ज्ञान। मेन गुरु का मतलब है ज्ञान। तो शारीरिक बल मिला किससे? ज्ञान से। तो आदमी जो प्रयास करेगा उस प्रयास में शारीरिक बल के साथ में उसका मानसिक बल, ज्ञानात्मक बल भी काम करेगा और आदमी को अपने काम में सफलता अवश्य मिलेगी, 100% मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। और सफलता का मतलब यहाँ पर भौतिक संपदा से भी है और आपका आध्यात्मिक, धार्मिक, सब तरीके से आपकी प्रोग्रेस, मतलब इसको आप प्रोग्रेस की लाइन कह सकते हैं। मैं तो इसको एक ऑफशूट ही मानूंगा। यह जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा इकट्ठी होती हैं, वहाँ से भी निकल सकती है, और थोड़ी दूर हो मस्तिष्क रेखा तो वहाँ से भी निकल सकती है, मतलब एक ही रहेगा। यहाँ पर शारीरिक बल और वहाँ पर मानसिक बल काम करेगा, मानसिक बल के साथ में ज्ञान बल। आदमी को सफलता जरूर मिलेगी और जब तक सफलता नहीं मिलेगी वो लगा रहेगा। तो यदि हमारे हाथ में ऐसी कोई रेखा है, लाइन ऑफ एम्बिशन, तो पक्का मान लो, पक्का बोल दो कि आदमी बहुत पैसे वाला होने वाला है, उसे अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। अब दूसरी बात करते हैं। ये हमारा निम्न मंगल, यहाँ से एक रेखा निकलती है और थोड़ा कर्व लेते हुए वो यहाँ जाती है सूर्य चित्र पर। अगर सूर्य चित्र पर नहीं गई है, यही ना केवल हार्ट लाइन तक है, तो इसका मतलब अलग है। इसका मतलब है कि आदमी स्ट्रगल कर रहा है और बड़े डेडिकेशन के साथ स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन यदि यह है हृदय रेखा क्रॉस कर जाती है, क्रॉस कर गई, तो अब इसको कहा जाता है पूर्व पुण्य कर्म की रेखा, द लाइन ऑफ पास्ट डीड्स, कि हमने पुराने जन्म में, पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, उनका हमें फल मिलना है। और यदि यहाँ पर एक सूर्य रेखा है और यदि यह सूर्य रेखा से जुड़ जाए इस तरह से, तो सोने पे सुहागा।
क्योंकि सूर्य प्रतीक है तेज, प्रसिद्धि, यश, सफलता का, और मंगल प्रतीक है यहाँ पर उच्च मंगल, वो प्रतीक है हमारे मानसिक जीवटता, हमारा साहस कि विपरीत परिस्थितियों में हम लोग किस तरह से संकट का सामना करते हैं, क्या दिखाता है। तो ये हमारा संघर्ष, और इसके बाद में ये लाइन मिल जाए अगर सूर्य रेखा से, तो सूर्य रेखा के मिलते ही जहाँ पर भी मिलती है, आदमी के जिंदगी में बड़े परिवर्तन होते हैं, भारी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि सूर्य प्रतीक है सरकार से मिलने वाले पैसे का, और दूसरी तरफ मंगल प्रतीक है मानसिक साहस तो है ही, लेकिन दोनों मंगल ये प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से कमाया हुआ पैसा बहुत मिलता है, बहुत प्रॉपर्टी मिलती है। तो ऐसे लोगों को जिनके दोनों मंगल मजबूत हैं, उन्हें भूमि से संबंधित काम करने चाहिए, उनको बहुत सफलता मिलती है। यदि हमारे पूर्व जन्म की कोई रेखा है और वो जाकर सूर्य क्षेत्र तक पहुंच जाए या सूर्य रेखा से मिल जाए, तो धन का अंबार लगा देगी। जो उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप रीबर्थ की थ्योरी में बिलीव करते हैं, मैं तो मानता हूँ, हिंदी हिंदू माइथोलॉजी भी मानती है कि रीबर्थ होता है, तो पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे और शायद उस जन्म में उनका फल मिलने से पहले ही मृत्यु हो गई हो, तो चित्रगुप्त जी का खाता तो चलता रहता है ना। अब तब नहीं मिला तो इस जन्म में मिलेगा, अब कब मिलेगा ये तो वो जाने। लेकिन विद्वान लोग कहते हैं कि जिसके हाथ में पूर्व जन्म की रेखा है, उसको अक्सर फल मिलता है मध्य आयु के बाद, मतलब 35 के आसपास, 40 के आसपास, 42 के आसपास, 30 के आसपास। और मेरा मानना है कि पहले भी मिल सकता है, हाँ संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयास तो करने पड़ेंगे, सिंसियर एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको, तो सफलता मिलनी निश्चित है। और खासकर उस क्षेत्र में जो जमीन से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के पास अचानक उसे बहुत संपत्ति मिल सकती है, वह बहुत जमीन खरीद सकता है, वह बहुत प्रॉपर्टी बना सकता है, बहुत जल्दी जल्दी अचानक। और देखिए पूर्व जन्म के लिए हम लोग दो तीन बातों का ध्यान रखते हैं पूर्व जन्म के बारे में। एक तो हमको हमारी जो ब्रेसलेट लाइन्स हैं, मणिबंध की रेखाएं, ये हमें इशारा करती हैं। दूसरा यहाँ पर केतु होता है, ये केतु इशारा करता है कि पूर्व जन्म में हमने कैसे कर्म किए हैं। एक बच्चा उसी समय पर अम्बानी घर में पैदा होता है, एक दूसरा बच्चा उसी समय पर महेश पवार के घर में पैदा होता है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब कि पूर्व जन्म में हमने कैसे कर्म किए हैं, उस फल के आधार पर हमारा जन्म निर्धारण होता है कहाँ होगा। हो सकता है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल हो और ट्रायंगल से निकल के एक रेखा सीधी शनि पर्वत पर पहुँच रही हो, यहाँ भी शुभ लक्षण हो, यहाँ भी शुभ लक्षण हो। अंबानी घर में हुआ कोई बड़ी बात नहीं, किसी धन्ना के घर में पैदा हुआ कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन महेश पवार के घर में पैदा होगा या आस पड़ोस में किसी खजड़ू या किसी ढक्कन मक्खन के घर पैदा होगा, तो भैया फिर तो शायद संघर्ष लिखा हो, शायद ये रेखा यहाँ से शुरू ना होकर यहाँ से शुरू हो, या यहाँ तक ही रहे, या शायद ये भी ना रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, और शायद ये सूर्य रेखा
छोटी रहे या और बड़ी बन जाए। जरूरी नहीं है कि अगर मान के घर में पैदा हुआ है तो बड़ा ही आदमी बनेगा। यदि महेश पवार के घर में पैदा हुआ है या किसी छोटे मोटे परिवार में पैदा हुआ है तो वो छोटा ही बनेगा ना। सबके अपने अपने कर्म, पूर्व जन्म के भी और इस जन्म के भी। इस जन्म के हमें कब मिलते हैं? मध्य आयु तक, तकरीबन यहाँ तक आसपास 35 तक संघर्ष और फिर उसका फल। ऐसे ही यहाँ पर होता है कि पूर्व पुण्य रेखा 35 तक तो संघर्ष कराएगी, 30 तक तो संघर्ष कराएगी और उसके बाद प्रॉपर्टी का अंबार लगा देगी। ऐसे में मान लीजिए एक और हालात हो सकते हैं कि यहाँ से एक रेखा निकली निम्न मंगल से, वो पहुँचती है सूर्य क्षेत्र पर या सूर्य रेखा को टच कर देती है। जरूर नहीं है कि सूर्य रेखा हो तो अच्छा, हो तो अच्छा, ये लंबे भी हो सकती है, यहाँ मिल जाए या ना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन निम्न मंगल से निकली और सूर्य रेखा को टच किया तो निम्न मंगल भी प्रतीक है भूमि से होने वाले लाभ का। जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं उनके पास बहुत संपत्ति होती है, सैकड़ों एकड़ जमीन हो सकती है, बड़े बड़े आलीशान बंगले हो सकते हैं, एक नहीं कई कहीं, और कुल मिलाकर बहुत रईस आदमी होगा वो। ये नहीं है, मतलब ये नहीं है, ये है। और यहाँ पर सूर्य रेखा भी नहीं, मान लीजिए एक मिनट के लिए, केवल ये पूर्व कर्म की रेखा केवल सूर्य तक पहुँच जाए तब भी धन का अंबार लगा देगी, प्रॉपर्टी का अंबार लगा देगी। एक और खास बात, लोग सोचते हैं कि मंगल क्षेत्र से, उच्च मंगल क्षेत्र से केवल पूर्व जन्म की रेखा निकलती है या वो दो चार लाइनें निकलती हैं। एक आपको अनोखी बात शेयर करना चाहूँगा और मैंने इसको व्यक्तिगत रूप से इस लाइन को देखा है। यदि इस उच्च मंगल क्षेत्र से एक लाइन आकर यहाँ सीधा इधर आके हमारी फेट लाइनें मिल जाएं, तो जिसके हाथ में उच्च मंगल से निकलकर फेट लाइन को कोई लाइन छुए तो ऐसा जातक दूसरे परिवार के द्वारा गोद लिया जाता है और वहां पर वो संपत्ति, धन और सब ऐश्वर्यों का आनंद उठाता है। उसे अपने परिवार से भी हिस्सा मिलेगा और जिस परिवार ने उसे पाला है वहाँ से भी उसे जमीन में, प्रॉपर्टी में जरूर जरूर हिस्सा मिलेगा। ऐसा बच्चा बहुत लाजवाब तरक्की करेगा। तो मैंने आपको तीन रेखाओं के बारे में बताया, एक तो लाइन ऑफ एम्बिशन, दूसरा द लाइन ऑफ पास्ट गुड डीड्स, और एक बताया मैंने लाइन ऑफ एडॉप्शन, उत्तराधिकार की गोद लेने की रेखा। और मैंने ये भी जिक्र किया कि केतु का भी हमारे पूर्व जन्म से संबंध है और मणिबंध रेखाओं का भी हमारे पूर्व जन्म से संबंध है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू मेक एन अपील टू यू ऑल। टुडे आई हैव वॉर्न टी शर्ट इन प्लेस ऑफ माई यूजुअल शर्ट एंड हेयर, वन लाइक इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। इफ यू लाइक माई वीडियो यू शुड लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक यू मस्ट लाइक इट। My beard, not for my eyes, because I know it is a bit slanting, this one, and bald hair, despite I have some
व्हाइट वन ब्लैक वन यू मे लाइक दैम बट माई अर्नेस्ट अपील टू यू ऑल टू लाइक माई वीडियो शेयर इट एंड बेटर टू सब्सक्राइब इट थैंक यू वेरी मच शुक्रिया